जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी दिल्ली के यमुना का है। हाथनी कुंड से पानी छोड़ने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और सरकार की तरफ से, NDRF की टीम की तरफ से इसके बचाव के लिए यहाँ पर बोट भी लाया गया है और भी कार्य किए जा रहे हैं। यदि आप इसको देखें तो बाढ़ का स्तर जो है अभी भी 205.600 पर है, खतरे का चिन्ह के आसपास है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए बोट है, नाव को लगाया गया है, साथ में आप रेत की व्यवस्था की हुई है यदि कहीं कटाव होता तो उससे बचने के लिए। हेलो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं ये पानी यमुना का है और यमुना से आया हुआ है। कुछ दो लाइन बोल दे भाई। आया हुआ है और पुस्ता को बिल्कुल पास में पहुंचा हुआ है। इधर सामने में गांव है लेकिन पुस्ता से अभी भी काफ़ी नीचे हैं, इसलिए गांव वाले को घबराने कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना तिरंगा इस बाढ़ की हालत में भी आसमान में लहरा रहा है। और वहाँ एक मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ पानी है। ये एक पार्क है, पार्क तक पानी आ चुका है। और वहाँ जो टावर लाइन्स आप देख रहे हैं, यमुना की धारा वहाँ पर है लेकिन पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, दिल्ली में ये स्थिति है लेकिन कंट्रोल में है, घबराने कोई बात नहीं है।